हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं उनको 10 से डिवाइड करना था। बिल्कुल सेम इसी तरह डेसिमल नंबर दिए गए हैं आपको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। डायरेक्ट आपको सिर्फ एक नंबर में डेसिमल अप्लाई करना आना चाहिए कि डेसिमल कहाँ लगेगा। ठीक है, सो देखिए अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। 2.7 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि डेसिमल को रिमूव करना है, देन अपॉन 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड की जगह और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, देन आंसर आएगा 27 अपॉन 10 और 100 1000। देन डेसिमल कहाँ लगेगा, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डेसिमल 2 डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट होगी। इस 0 की जगह पे हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 की जगह पे डेसिमल आता है। तो नंबर हमारा आ जाएगा 0.027। ठीक है, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। 0.37 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3/10 मल्टीप्लाई विद 1/100 3/1000। ठीक है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल कहाँ लगेगा। सिर्फ सिंपल फंडा है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो डेसिमल कहाँ लगेंगे, लास्ट के 3 डिजिट हैं, यानी कि आपको 3 डिजिट कंप्लीट करनी है पहले तो लास्ट में, और 1 की जगह पे डेसिमल लगाना, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 डिजिट कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 1 ही डिजिट है, तो यानी कि 20 लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक होगी, और यहाँ लग जाएगा डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.003। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। 0.78 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 78 अपॉन, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट है इट मीन्स यहाँ पर भी 100 आएगा, और अपॉन 100 इट मीन्स कि आ जाएगा 78 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि 10,000। ठीक है, देन अब हम डेसिमल लगाएंगे, कितने जीरो हैं, 1, 2 और 2 4 जीरो हैं, और हमारे पास यानी के ऊपर भी डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 डिजिट ही होनी चाहिए, लेकिन डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट और बनाने के लिए हमें 20 और अप्लाई लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और 1 की जगह पे लग जाएगा डेसिमल, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.0078। ठीक है, सो ये रहेगा इसका थर्ड पार्ट। इसी तरह देखिए इसका फोर्थ पार्ट। 432 डिवाइडेड बाई 432.6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 432 की डेसिमल हटाएंगे, 4326 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई विद अपॉन 100, 1/100 यानी कि 4326 एंड अपॉन में 1000। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कैसे लगाएंगे डेसिमल, ये इसको कंपेयर करेंगे तो ये लगेगा यहाँ कि 4.326। ठीक है, इसका ये है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है। 23.6 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल हटाइए पहले, तो 236 अपॉन 10 और अपॉन में 1/100 यानी कि 236 अपॉन में 1000। ठीक है, डायरेक्ट डेसिमल लगाना है, कहाँ लगेगा, लास्ट 3 डिजिट, ऊपर भी 3 डिजिट है, यानी कि 0.236। ठीक है, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह करेंगे सिक्स्थ पार्ट। 98.53 डिवाइडेड बाय 100, तो 9853, क्योंकि डेसिमल हटा दिया अब हमने, अपॉन 100 कर दिया, लास्ट 2 डिजिट के बाद है, मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, 9853 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 100 यानी कि ये हो जाएगा 10,000। लास्ट में 4 डिजिट हैं, इनके 40 हैं और ऊपर डिजिट भी 4 ही हैं, तो यानी कि लास्ट में हमारा यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो 0.9853। और की ओर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। फाइंड दिस एंड दिस, इट मीन्स कि आपको सेकंड क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करना था, देन अगले नंबर में 100 से डिवाइड करना था, और आपको फोर्थ क्वेश्चन में 1000 नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, क्या करना है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहना है कि डेसिमल रिमूव करना है, तो अपॉन में 100 और देन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और इसका रेसिप्रोकल कर देना है।
देन ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, ये है 110 मल्टीप्लाई विद 1000 इनके 10000। अब हम इसका करेंगे डेसिमल अप्लाई। डेसिमल कैसे, टू डिजिट है, लास्ट में हमारे पास 40 है, तो इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को भी हमें 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि 20 और इसके आगे लगा देंगे ये हो जाएगा, और 1 की जगह पे 0 यानी कि डेसिमल, यानी कि ये लग जाएगा डेसिमल। इट मीन्स कि 0.0079, ठीक है, ये रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम करना है हमें सेकेंड पार्ट, 26.3 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो 26 यानी कि 263 अपॉन में 10 और अपॉन में 1000, 263 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो 10000 आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में ऊपर नीचे मतलब 40 है और ऊपर डिजिट 3 है, तो इसको 4 डिजिट बनाएंगे तो एक जीरो और आगे लग जाएगी, यानी कि 0263 और यहाँ लग जाएगा आगे डेसिमल, यानी कि 0.0263, ठीक है, ये रहेगा इसका सेकंड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, 38.53 डिवाइडेड बाय किससे, 1000 से ही करने से भी क्वेश्चन, तो 38 यानी कि अब हम डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, तो 3853 अपॉन में 100 और अपॉन में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 3853 अपॉन, देखिए 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 1000 का, 1 लाख हो जाएगा, 1, 2, 1, 2 और 3, ठीक है, देन इसका करना है, देखिए नीचे कितने जीरो हैं, क्योंकि जितने जीरो हों ऊपर आपको डिजिट भी उतनी ही बनानी है, तो 4 ऊपर डिजिट है और नीचे 2, 4 और 5 है, यानी कि एक डिजिट और करनी है, तो यानी कि 0 ऐड होगा, 03853 यहाँ लग जाएगा डेसिमल, डेसिमल यानी कि 0.03853 इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। अब करते हैं इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1289 क्योंकि अब हम डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, नीचे 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई विद 1000, तो 1289 अपॉन 1000 की डिवाइड करेंगे 10 से तो 10000 हो जाएगा। देन इसमें डेसिमल अप्लाई करना है सिर्फ, बस लास्ट ऊपर नीचे टू मतलब 40 है तो ऊपर भी 4 ही डिजिट है, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 0.1289, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, इनके 5/10 मल्टीप्लाई विद 1000, 5/10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर देखिए 5/10000 है, तो डेसिमल लगाने जैसे कि हम लगाते आ रहे हैं वैसे ही बिल्कुल डिजिट कंप्लीट कीजिए, नीचे 40 है तो ऊपर भी 4 ही डिजिट होनी चाहिए, तो एक ही डिजिट है ना हमारे ऊपर, तो 30 लग जाएंगे और, ठीक है, तो डायरेक्ट अभी तो डेसिमल लगाना ही है, तो 40 हो गई यानी कि 4 डिजिट हो गई, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा डेसिमल 0005, ठीक है, तो ये रहेगा इसका फिफ्थ पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेरी है प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिए, सेशन पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।